आज हम प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बिल्कुल लाइव जो है पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, गर्मियों में जो है पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या कब्ज बहुत ज्यादा बनती है, मतलब हमारे शरीर की जो गर्मी है वो हमारी पेट के अंदर जमा हो जाती है, तो कैसे आज हम प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा डॉक्टर केवल किशन जो है आपको लाइव जो है पेट की बीमारियों को ठीक करके बताएंगे, ये आपको हम आज दिखाने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर केवल किशन जी जो है 30 मिनट के लिए आपके साथ लाइव बने हुए हैं, अगर आप शरीर के पार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बीमारी है आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप डॉक्टर केवल किशन जी द्वारा जो है उसको लाइव पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये अभी हमारे सामने पर्सन आया जो कह रहा है कि इसके पेट में गर्मी बनी हुई है या पेट में इनके दर्द बहुत ज्यादा रहता है, कब्ज बनती है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसका रिजल्ट मतलब इसको तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई भी रोग है पेट का, पेट में भारा है, पेट में कब्ज है, दर्द है, कुछ किस्म का एसिडिटी तेजाब बढ़ रहा है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक ठंडी पट्टी लपेट, अरे क्या बात है, ये दम ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये पहले इसके पेट पे 10 मिनट गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर दी हमने, अब हमने एक ठंडी पट्टी ले ली है, ये 2.5 मीटर लंबी होनी है और 1 फुट चौड़ी जो नाभि के ऊपर भी आ जाए और नाभि के नीचे भी आ जाए। ये देखिए, इसको पानी में अच्छी तरह भिगो लेना है और फिर इसको निचोड़ लेना है, सूती कपड़ा लेना है, दूसरा कपड़ा नहीं लेना, सूती कपड़े से इसको निचोड़ के ऐसे निचोड़ लेना है, फिर इसको चौरस करके थोड़ा सा छिड़क लेना है। देखिए छिड़कना क्यों है, ऐसे छिड़क लेना है जिससे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और फिर इसको पेट पे पहले नाभि पे तेल लगा के थोड़ा सा इसको पेट पे लपेटना है। देखिए ऐसे लपेट के पीछे घूम जाओ, ऐसे पूरे पेट पे भी और कमर पे भी लपेट के इसको आधा घंटा ऐसे ही घूमता रहे, या ऊपर कपड़ा लगा ले या ऊपर कोई गर्म कपड़ा लपेट ले, ये गर्म है तो मैंने, या फिर थोड़ी देर धूप में लेट जाए, और धूप में लेट जाएगा तो सोने पे सुहागा है। फिर आप इसको देखिए, जब ये आधे घंटे बाद ये कपड़ा खोलोगे तो देखिए खोलना कैसे, खोलने के बाद भी इसको, ये हमने आधे घंटे बाद इसको खोलने लगे, खोल के इसको, अरे ये देखोगे ना, ये कपड़ा इतना गर्म हो जाएगा, इसको वैसे लगेगा जैसे भट्टी में किसी ने गर्म करके निकाल, सारी पेट की गैसें सारी तेजाब को इस कपड़े ने खींच लिया, क्योंकि बहुत दर्द ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये पेट के सभी रोगों के लिए रामबाण इमीडिएट इलाज है। ये देखिए किस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आप जो है बिल्कुल लाइव यहाँ पे बताया गया है कैसे आप पेट की जो समस्या है उनको ठीक कर सकते हो। अगर आप और भी बीमारियों से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हो तो 30 मिनट के लिए डॉक्टर केवल किशन जी लाइव है, आप जो है इनसे अपनी बीमारियों का समाधान पा सकते हो। डॉक्टर साहब यहाँ पे जसवीर कौर है, मैं उनका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। वो कह रहे हैं कि उनको पित्ता और लीवर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई समाधान बताइए। लीवर पेट का सबसे बड़ा अंग है, राइट साइड में होता है, और पेट में लीवर तो इतना ही इम्पोर्टेंट भाग है, जब लीवर खराब हो गया तभी पित्ता दूसरी तरफ होता है, बाईं तरफ होता है पित्ता और दाईं तरफ होता है लीवर। अरे लीवर के लिए भी ये मिट्टी पट्टी, ठंडी मिट्टी पट्टी लगा सकते हैं या ठंडी पट्टी लगा, मिट्टी पट्टी कैसे डॉक्टर साहब? मिट्टी पट्टी लगाएंगे, कुम्हार की मिट्टी लेनी है और उसको जैसे आटा गूंथते जैसे आटे से रोटी पकती है ऐसी हमने पट्टी बना लेनी है। पहले 10 मिनट हमने पेट पे सिकाई कर दी, सिकाई जरूर करनी है ताकि अंतड़ियां अपना जगह बना ले, फिर उसके ऊपर मिट्टी पट्टी आधी नाभि के नीचे आधी नाभि, जो लीवर खराब है तो लीवर की साइड पे राइट साइड पे ऐसे इतनी आगे इतनी पीछे एक पट्टी, चार 1 फुट लंबी और 1 फुट चौड़ी पट्टी बना ले, ताकि उसको वो आधा घंटा पड़ी लेटा रहे उसमें मट्टी पट्टी में घूम नहीं सकता, लेटा रहेगा, और लेटने से पट्टी उतारोगे वो पट्टी दोबारा नहीं लगानी मिट्टी पट्टी। हाँ ठंडी पट्टी जो लपेट है वो तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं, मिट्टी पट्टी और ठंडी पट्टी लपेट इतनी कारगर हैं,
लीवर के लिए एक और काम, लीवर और पित्ते के लिए एक और काम कर सकते हैं। सुबह नहाते वक्त 3 मिनट गर्म पानी से, ऐसे गर्म पानी से लिया, पेट पे ऐसा तौलिया मारा बेड से, उसके बाद ठंडे पानी से, पहले गर्म पानी से 3 मिनट, फिर ठंडे पानी से 2 मिनट, ऐसे 20 मिनट करते रहना है, पेट की कोई समस्या पास नहीं आएगी। मैं सभी अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़ ये ज़रूर बताइए कि ये समस्या आपको कितने समय से है और आपकी उम्र कितनी है, ताकि जो है डॉक्टर साहब को आसानी हो सके आपकी जो है आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताने में। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि 11 साल हो गए हैं और चक्कर आते हैं, तो उसके लिए क्या करें? चक्कर कई कारण होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, या कोई सिर में कोई माइग्रेन है, माइग्रेन की वजह से भी चक्कर आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी चक्कर आते हैं, और कई बार कोई दौरा पड़ता हो उनको भी चक्कर आते हैं। चक्कर आने का इलाज तो बहुत ही कारगर है, अपने सिर के देखिए, ये दोनों हाथ यूं मिलाए और इसको गर्दन के पीछे कानों के पीछे पीछे ले जाते हुए ऐसे इसकी मालिश करो, फिर ये सारे पोटे हैं, ये चक्कर आते ही सिर के ये टुकड़े जो पहले पोटे हैं इनको दबाना शुरू कर दें, और या इसको आपस में मिला के जोर से, ऐसे जोर से इसका थोड़ी देर कर लेंगे, या चुटकी लगा लें। देखिए चुटकी लगा के अपने हाथों पर, ऐसे जिनके माइग्रेन के ऐसे सारे हाथों पर, दोनों हाथों पर चुटकियां लगा के 5 मिनट में आंखों चक्कर चुक्कर सब भाग जाएंगे। ऐसे चुटकियां पर्दे सुखाने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए घर में चुटकियां तो बहुत हैं, और आपने दोनों पांच हैं तो 5 पहले एक हाथ में लगा दो, 5 दूसरे हाथ में फिर लगा दो। डॉक्टर साहब आपकी जो है, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी कि जीभ को पकड़ के आप जो है कैसे पेट के रोगों को अपने को ठीक कर सकते हैं, वो मैं उसके बारे में आपसे दोबारा जानकारी चाहूंगी। जीभ को पकड़ के, जीभ के पकड़ने से कई बार पेट के अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है उसको खींचने से ये हमारी जीभ, जीभ में बड़ा कुछ छुपा हुआ है, जीभ में को सफाई रखना, जीभ को ऐसे दांतों पे फेरने से भी सारे पेट के रोग ठीक हो जाते हैं और दांतों में मजबूती आती है। जीभ को सिंह गर्जना में भी बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं, लेकिन इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसका लास्ट में जितना जीभ लास्ट में होती है वहाँ सारी मैल जमा हो जाती है, उसको सफाई किया करें। यहाँ पे संजय जी है, वो कह रहे हैं कि उनकी जो किडनी है, किडनी खराब है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। किडनी के लिए तो बहुत ही कारगर इलाज है मरकट आसन। मरकट आसन जो लेट के करना होता है, घुटने मोड़ के, घुटने दाई तरफ, गर्दन बाई तरफ, ऐसे 2-3 आसन है। जल मुद्रा लगाएं, जल मुद्रा तो बहुत ही कारगर है। जल मुद्रा देखिए 5 से 45 मिनट तक रोज जल मुद्रा लगाएं और पानी घूट घूट करके पिए, पानी को मंत्रित करके पिए भी, ये पानी मेरा गुर्दा ठीक कर रहा है, ये पानी मेरा गुर्दा ठीक कर। सुबह उठते ही गर्म कोसे पानी में मंत्रित कर लें अपने आप उनको, और उसको घूट घूट करके पिए। किडनी के लिए और लीवर के लिए पानी बहुत जरूरी है, कम से कम 1-2 लीटर, 1-2.5 ग्लास सुबह उठते ही पिए। यहाँ पे सोहन लाल जी है, वो कह रहे हैं कि उनको जो है लोअर बैक पेन की समस्या है, तो उसके लिए कुछ बताइए। लोअर बैक पेन के लिए वैसे तो ये निशान है पीछे, ये इस पे मसाज कर सकते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और वैसे भुजंग आसन सबसे बेस्ट है, ये भी इसकी भी मसाज कर सकते हैं, और दोनों रीढ़ की हड्डी, पैरों में भी, पैरों में ज़्यादा मसाज करते हैं। देखिए ये पैर में एड़ी से लेके ये तक ये सारी मसाज करें, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बड़ा लाभदायक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है कुलवंत सिंह जी का, वो कह रहे हैं पैरालिसिस के लिए कोई इलाज बताइए। पैरालिसिस
मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाती है, सिर में कोई ना कोई नस दब जाती है, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। इसके लिए उसको एक्सरसाइज तो हल्की फुल्की करनी है, चलना थोड़ा सा, एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो होते हैं एक वो ये जैसे बॉल आती है लकड़ी की बॉल आती है, इसको ये सॉफ्ट बॉल, इसको ऐसे हाथ में रख के जो साइड में पैरालिसिस है उसमें ऐसे इसकी मसाज किया करें। इसको ऐसे रख के, ऐसे भी कांटों वाला हो या सॉफ्ट हो, सॉफ्ट तो ज़रा पैरालिसिस वाले को अच्छी तरह मसाज हो कर सकता है वो। और वैसे गर्म और ठंडे पानी की सिकाई भी उसको। हाँ, यहाँ पे गीतकार जी हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको जो है साइटिका का पेन है, तो साइटिका के लिए बताइए। मैं एक बार अपने फिर व्यूवर्स को बोलना चाहूंगी, आप जो भी अपनी बीमारी का समाधान चाहते हैं आप ये जरूर बताएं कि वो आपको बीमारी कितने समय से है और आपकी उम्र क्या है, ताकि जो है डॉक्टर साहब को आसानी हो सके, वो बिल्कुल ईजिली प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा जो है आपको इलाज बता सके। तो साइटिका पेन के बारे में बताइए। साइटिका के लिए शलभासन और धनुरासन और भुजंगासन, धनुरासन करें, भुजंगासन करें, शलभासन करें। शेटका की दर्द के लिए थोड़ा सा कमर पे किसी को कहो ऐसे ऐसे थपली सी मार दे, वो सर्कुलेशन कहीं भी रुकी हुई है वो चालू हो जाएगी, तो शेटका दर्द ठीक हो जाएगी। वैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट के लिए मेरे पास इसमें मैं एक मैग्नेट लगा देता हूँ, तो उसी वक्त कितनी भी दर्द, सीवियर दर्द हो, कितनी भी भयानक दर्द हो, पेशेंट को 5 मिनट में ठीक करके भेज दूंगा, ये मेरी गारंटी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब जी, ये सुनील शर्मा जी है, वो कह रहे हैं कि सर मेरे अंदर गिरने वाला नजला है, नाक बंद होता है, नाक का पानी गले में गिरता है, 2 साल से है, 48 साल का हूँ। नाक में तेल डाला करे या बादाम का तेल या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन प्योर होना चाहिए सारा, और नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उसमें देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं। नाक में जल लेती कर सकते हैं, नाक की प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाँ, यदि मेरी अमृत मुद्रा का वीडियो देख के आप उस पे वीडियो पे अमृत मुद्रा करेंगे तो आपको तो रामबाण आराम आएगा बहुत जल्दी। मेरा पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने 3-3 दिन में बिल्कुल ठीक कर दिया। एक किडनी का मरीज जो अंडमान निकोबार से आ रहा है, और उसका फोन दो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि उसकी किडनी खराब है, उसको शुगर है, उसका ब्लड प्रेशर लो है, उसको कोलेस्ट्रॉल है। उसको मैंने 3 दिन में अमृत मुद्रा का चमत्कार, वो मुझे फोन आया कहते चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। यहाँ पे धनंजय जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो उम्र है वो 20 साल की है, उनकी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है, और उनका जो वजन है वो 47 kg है, वो बहुत दुबले पतले हैं, तो कोई वजन बढ़ाने का उपाय बताइए। वजन बढ़ाने के लिए खजूर के मौसम में खजूर खाएं, किशमिश खाएं, और एक्सरसाइज करें, योगा करें, योगा भी वजन बढ़ाने में काम आता है। और वैसे उसमें वजन बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम जरूर करें, जितना भी योगा करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। एक्यूप्रेशर के पॉइंट तो सारे हाथ में, उसका दिमाग भी बढ़ जाएगा, और वजन एक्यूप्रेशर के पॉइंट वो पावर मैट होता है उस पर बैठ के थोड़ा सा जॉगिंग करें, उसके ऊपर चले, सारे पॉइंट दब जाएंगे, उसका सारा वेट भी बढ़ जाएगा, कद भी बढ़ जाएगा, और उसको प्रोटीन जितना खा सकता है उसको प्रोटीन रूपी, या नॉनवेज खाता है तो एग फिश खा सकता है, और यदि वो बादाम और अखरोट की गिरियां, केला और दूध, पेट की चर्बी घटाने के लिए। डॉक्टर साहब, पेट की चर्बी घटाने के लिए अभी अभी मैंने लाइव किया है, पेट की मिट्टी पट्टी लपेट, ठंडी पट्टी लपेट, या मिट्टी पट्टी, या फिर गर्म और ठंडे पानी का सिकाई, और या पेट के बल का आसन है, एक भुजंग आसन ना, पवन मुक्त आसन, एक नौका आसन, नौका आसन के बाद पवन मुक्त आसन करूँ। अरे अमृत मुद्रा का वीडियो देखे ना, अमृत मुद्रा का वीडियो तो सारे समस्याओं का हल कर देगा।
हाँ मेरा टेलीफोन नंबर नोट करके रखे, 95-180-85-640। किसी को भी कोई समस्या है जीवन में कभी भी है, कितने साल हो गए हैं पुरानी है, उसका मैं हल शीघ्र कर दूंगा। यहाँ पे शोभा जी है वो बोल रहे हैं कि उनके 40 साल की उनकी उम्र है और उनको जो है विटामिन बी और डी की उनके शरीर में कमी है, तो वो कमी कैसे पूरी हो सकती है? जितने भी बीज हैं जैसे मूंगफली का, मटर का और मेथी का, और ये जितने भी बीज हैं या पत्ते हैं सब्जियों के पत्ते या फल, इनमें विटामिन B12 ज़्यादा होता है। सब्जियों के पत्ते जैसे मूली के पत्ते हैं, शलगम के पत्ते हैं, जैसे कोई भी सब्जी के पत्ते और कोई भी बीज खा सकते हैं, उससे B12 भर जाता है। डॉक्टर साहब जो नॉर्मल BP है, इन दिनों नॉर्मल BP क्या रहना चाहिए? नॉर्मल BP हर एज में 120 से 80 तक नॉर्मल है। अगर 96 से 105 है ऊपर का, 105-96, ये तो शुगर की बात कर रहे हैं या BP की? 96 से 105। 96 BP नॉर्मल करना है कम है, BP कम है, बहुत कम है, 96 तो बहुत कम है, इससे कम ना होने दें नहीं तो फिर एकदम इसके लिए आप किशमिश खाएं, नींबू नमक पानी पिए और कॉफ़ी पी लें, इमीडिएट बढ़ जाएगा कॉफ़ी पॉइंट भी अपने जितने भी ये BP को बढ़ाने के लिए ये पहला पोटा है और चंद्रभेदी प्राणायाम, BP को बढ़ाने के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम करें। सूर्यभेदी प्राणायाम एकदम आपको कैसे करना है, दाई नासिका से सांस को लेना है हर बार, दाई नासिका से लें, सूर्यभेदी प्राणायाम करें। जिनका लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट कमजोर है, जिनकी पल्स कम है, जिनको किसी भी किस्म का कमजोरी है, सूर्यभेदी प्राणायाम करें ना। डॉक्टर साहब पित्ते की पथरी का कोई इलाज बताइए। पित्ते की पथरी, देखो पित्ते की पथरी वैसे तो गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करें, अश्महरी रस आता है श्री रामदेव जी की पतंजलि वालों का, वो पिलाया करें, और गुड़हल, अरे गुड़हल का पेड़ फूल खा लिया करें या पत्ते खा लिया करें, गुड़हल के लिए तो बहुत कारगर है पित्ते की पथरी के लिए। गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करनी है और ठंडी पट्टी लपेट करनी है और प्याज का वीडियो देखें मेरा, अरे पथरी टानी है तो प्याज का वीडियो देखें, प्याज का वीडियो, प्याज कैसे का? अभी एक क्वेश्चन है कि उनके मुंह का स्वाद ही चला गया, मतलब अगर वो कुछ खा रहे हैं ना उनको स्वादिष्ट नहीं लग रहा। स्वादिष्ट तो लीवर की कमी की वजह से है या पेट की एसिडिटी है या तेजाब है या उसके पेट में कीड़े हैं, दोनों कारण, कई कारण हो सकते हैं, या तो मलेरिया भी बुखार में भी ऐसे मुँह का स्वाद चला जाता है। डॉक्टर साहब आँखों की रोशनी तेज करने के लिए क्या करें? त्राटक तो बहुत गजब का है, वैसे छोटी सी बातें बता देता हूँ, एक तो ब्लिंकिंग करो जल्दी जल्दी, एक ठंडे पानी के छिट्टे मारो, एक आप जोर से आंखें बंद करें जोर से खोलें और त्राटक उगते सूरज को देखें, या छोटा त्राटक करेंगे तो ये देखिए नाखून के ऊपर से हल्का सा मांस उभरा हुआ है, मांस के ऊपर थोड़ी सी छाया बन जाती है, उसको आंखें टकटकी लगा के देखते रहे, एक नासा अगर ध्यान, त्राटक तो बहुत गजब का है आपका, तो नासा अगर जो ध्यान करेगा नाक को देख, उगले भाग को देखना, थोड़ी सी पलकें झुका लेनी है और नाक के अग्र भाग को देखने से आपके अंदर से तीसरा नेत्र में प्रभाव पड़ता है, आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है। मनोहर लाल जी कह रहे कि उनका जो नीचे वाला BP है ना वो 106 तक, उसको कम करने के लिए बताइए। नीचे वाला BP है, नीचे वाला BP ज़्यादा बढ़ता है नमक ज़्यादा खाने से, टेंशन ज़्यादा होने से, या हाई ब्रीड की चीज़ें खाता है, मीट मुर्गे खाता है तो उनका नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको भी नाड़ी शोध और उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम करें या अमृत मुद्रा करें। अमृत मुद्रा तो करते ही उसका BP नीचे का नॉर्मल आ जाएगा, ये मेरे अच्छा वैसे चंद्रभेदी प्राणायाम करें।
चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करना है, वो बाई नासिका से हर बार बाई नासिका से लेना है, बीपी लो हाई है ना नीचे वाला, तो बाई नासिका से सांस लेना है, रोकना है, फिर दाई नासिका से धीरे धीरे छोड़ना है, और जल मुद्रा बना के रखनी है लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए। यहाँ पे मीना यादव जी है, मीना यादव जी वो कह रहे कि पेट बहुत गर्म रहता है। पेट गर्म रहता है तो ठंडी पट्टी लपेट करे ना, अभी बताया ठंडी पट्टी लपेट करे सारी से, अच्छा घिया रगड़े पैरों में, घिया कर करके थोड़ा पैरों में रगड़े, सारा पेट साफ। अच्छा वैसे ना पानी ठंडा गूंद कतीरा, पेट की गर्मी को निकालने के लिए नींबू पानी में गूंद कतीरा डाल के पी लें सुबह, उसको रात को भिगो के रख दें, सुबह खाली पेट पी लें, इतना लाभ देगा पेट ठंडी। यहाँ पे परमजीत जी हैं, वो कह रहे कि थायराइड की गांठ है उनको, उसका कोई इलाज नहीं। थायराइड के लिए तो सिंह गर्जना करें, गांठ गांठ के लिए तो आपको अमृत मुद्रा करनी पड़ेगी, उसके गर्म और ठंडा दिखाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, मेरा टेलीफोन नंबर नोट करके आप 95-180-85-640 गांठ देखनी पड़ेगी कौन सी है, कई किस्म की गांठें होती हैं, देखिए मैं बिना देखे उसकी राय नहीं दे सकता। यहाँ पे सीमा गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं उनकी उम्र जो है वो 47 साल है, और कि उनकी यूरिन में और लीवर में इन्फेक्शन है, फीवर है। लेडीज है तो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती है, और वो सूर्य पर में धूप स्नान किया करें, और धूप में रखे हुए पानी से स्नान किया करें, धूप में रखे हुए पानी से स्नान किया करें, और टब में बैठ के थोड़ी देर कटी स्नान किया करें, कटी स्नान उनके यूटीआई इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा, वैसे तो कटी स्नान से अंदर का इन्फेक्शन सारी ख़त्म हो जाती है, सबसे बेस्ट है कटी स्नान। डॉक्टर देख ले टीवी में देख ले कटी स्नान, आधा एक टप जो रहता थोड़ा लंबा होता है थोड़ा पीछे। डॉक्टर साहब इन दिनों सिर में बहुत दर्द रहेगा, मतलब गर्मी आए तो सिर का दर्द रहता है, तो उसके लिए कोई इलाज बताइए। माइग्रेन का दर्द हो जाता है, वैसे गर्मियों सर्दियों में भी तो कई उपाय हैं, लेकिन गर्मियों में तो गर्मियों की वजह से धूप में आए हैं तो एकदम सिर में दर्द हो जाता है, वैसे जिनको माइग्रेन की वजह से दर्द है वो तो जलेबी खा लिया करे देसी घी की, उसमें अभी आराम आ जाएगा। हाँ सूरज सोनी जी है, वो कह रहे कि मेरे पिताजी की शुगर 300 हो जाती है खाली पेट, क्या करूं? ये तो बड़ा खतरनाक है, उसका तो जो ये पैनक्रियाज है डेड हो गया है, उसको तो कंट्रोल रखनी पड़ेगी, उसके कंट्रोल के लिए मेरे पास टीवी में संपर्क करना पड़ेगा, शुगर का पेशेंट 300 वाला जो है उसको अटेंड करने के लिए संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिया जी है, वो कह रहे टॉन्सिल्स बच्चों के गले में बार बार होता है। टॉन्सिल्स के लिए तो बड़ी अच्छी कार, छोटा बच्चा बहुत ज्यादा है उसके लिए वो नाक में देसी घी डाला करे, बादाम तेल का डाला करे, बादाम का तेल डाल लिया करे, और गले पे उसकी मालिश किया करे, और गर्म और ठंडी पट्टी की ठंडी पट्टी लपेट कर लिया करे गर्दन से सारी, उससे टॉन्सिल भी फर्क पड़ने लग जाता है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, टॉन्सिल हाई फीवर को कम कैसे करें? ये बर्फ की पट्टी माथे पे रख दें, या पैरों पे बर्फ की पट्टी की मालिश मसाज कर दें, और या हाथों पे भी पैरों पे भी और माथे पे भी ठंडी पट्टी लगाएं बर्फ वाली, और ठंडी पट्टी लपेट कर दें, बुखार उसी वक्त ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सूरज सोनी जी है, वो कह रहे कि शुगर की वजह से खून में यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मूत्र में प्रोटीन बढ़ गया है। देखो शुगर की वजह से कई बीमारियाँ साथ में आ जाती हैं, तो शुगर में प्रोटीन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड के लिए मेथी खाया करें खाली पेट, मेथी शुगर को भी फायदा करती है, और नीम के पत्ते 3 खाया करें, और मेरा अमृत मुद्रा पे संपर्क करके जो शुगर के पेशेंट हैं उनको दवाई बना के देता हूँ, तीन दिन में शुगर कंट्रोल हो जाती है, 3 दिन
ज़्यादा भी नहीं, आपको उसको संपर्क करके मेरे से दवाई मंगवाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि सूखी उबासी आती है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। उबासी तो पेट में गैस बन रही है, नींद कमी आती है, नींद कम होती होगी तो भी उबासी आती है। क्या करना चाहिए? नींद के लिए उनको बाई रात को खाना खाने के बाद बाई करवट लेट जाए 10 मिनट पहले, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, सिर्फ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, फिर बाई करवट लेट जाए, फिर बाई करवट में थोड़ा सा लंबे सांस लेते रहें और बाई करवट में नींद अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पे सुधा जी है, वो कह रहे हैं वो 35 साल की हैं और उनको पाइल्स है 5 साल से प्रेगनेंसी के बाद से। पाइल्स के लिए मूली का रस सुबह खाली पेट पिया करें और दही का रिड़का लिया करें और जो उसका भूरी मिर्च खाया करें 10-15 दाने सुबह खाली पेट, और एक वो जो नारियल होता है, नारियल का जो घास होता है ऊपर का, उसको जला के उसको शहद में डाल के वो खाली पेट ले लिया करें। बाकी उसमें अपान मुद्रा बना के बैठा करें वज्रासन में 45 मिनट रोज करें, बवासीर तो ठीक हो जाएगी 45 मिनट। बवासीर के लिए तो मूलबंध लगाएं या अश्विनी मुद्रा लगाएं, अश्विनी मुद्रा। सोनवीर जी है वो कह रहे हैं कि उनको खाली पेट जो है बहुत ज़्यादा गैस बनती है। खाली पेट गैस बनती है तो एसिडिटी तेजाब बनना पहले से शुरू है, तो खाली पेट गैस नहीं है तो कुछ नींबू पानी शहद ले लिया करें सुबह खाली पेट, और खाली पेट में एलोवेरा आंवला गिलोय का जूस ले लिया करें। एक्यूप्रेशर के लिए पेट के लिए सारे ये पॉइंट अपने आप पेट के पॉइंट दबा लिया करें, और ये बीच वाला ये नीचे वाला भाग जो है इस पे, और पहली उंगली इसको ऐसे रगड़े। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जसवीर जी का, वो कह रहे हैं कि सुबह के टाइम और रात को सोते टाइम जो है गले में बलगम आती है, नाक में देसी घी डाला करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम किया करें और अमृत मुद्रा पर लेट कर घी भी डालें और प्राणायाम भी करें। अशोक जी बोल रहे हैं कि कमर में और पेट की चर्बी की गांठ का इलाज बताइए, बहुत ज़्यादा हो रही है। पेट की चर्बी का इलाज तो सबसे बेस्ट है बैक वॉकिंग करेंगे, उल्टा चलें सबसे बेस्ट। पेट की चर्बी कम करने के लिए जब हम बैक वॉकिंग करते हैं तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो पेट बन जाता है, वो जो पेट जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, तो बैक वॉकिंग से पेट की समस्या बहुत जल्दी हल होगी। हाथ में दर्द का इलाज बताइए, आगे मेरे दिखा दे, बाजू में दर्द है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा दूंगा और उसी वक्त दर्द ठीक करके भेजूंगा, मेरी गारंटी है, वो दोबारा नहीं कहेगा मेरा हाथ में दर्द हो कहीं भी। सफेद दांतों के लिए क्या करे, 8 साल की बच्ची है। देखो इसके लिए वो काफी लंबा इलाज है, छोटा बच्चा है, ये संपर्क करना पड़ेगा। बावची आती है, इन दिनों शरीर पे खुजली बहुत हो रही है, उसके लिए क्या करें? खुजली के लिए तो कायाकल्प की गोली खाएं और टमाटर का 2 सुबह खाली पेट अजवाइन खा के आधा चम्मच। कितनी उम्र है, किसको खुजली है ये तो कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आधा चम्मच अजवाइन खा के पहले थोड़ा गुड़ खा लें, फिर आधा चम्मच अजवाइन खा लें, फिर आधे घंटे बाद या तो 1-2 टमाटर खा लें बड़ा काला नमक काली मिर्च लगा के, या 1 सेब खा लें। ये 15 दिन करेंगे ना कैसी भी खुजली है, और कायाकल्प का तेल लगाएं, कायाकल्प की गोली खाएं और एक आरोग्य बट्टी खाएं, नीम के साबुन से स्नान करें। डॉक्टर साहब जो पैर जो सूज जाते हैं, मतलब नीचे वाले जो फीट होते हैं वो अगर हमारी सूज जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पैर सूजने के 2-3 कारण है, या तो हार्ट है या किडनी है या लीवर है या फिर वो पुरानी खांसी का दमे का मरीज है, पैर सूजने के कई कारण हैं, ये तो देखना पड़ेगा। वह फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरी अमृत मुद्रा करें, पैरों को सूजन दूसरे दिन आराम आ जाएगा। मेरी अमृत मुद्रा का विज्ञान बहुत गजब का है, ये उसको लोग
नकल कर करके डायलिसिस कर रहे हैं। आज के लाइव सेशन में बस इतना ही। अगर आप और भी जानना चाह रहे हैं तो अगली बार जब डॉक्टर साहब लाइव आएंगे तो उनसे जो है आप अपने बीमारियों का समाधान प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा जो है जान सकते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या बोलना चाहेंगे, गर्मियों से कैसे बच के रहे? गर्मियों से बचने के लिए आप जो तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं और एक पेठा कद्दू आता है ना, मेरा नंबर दोबारा नोट कर लें, 95-180-85-640। दूसरा एक ही नंबर काफी है। और हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो जो है यहाँ लाइव सेशन के लिए आए और 30 मिनट आप सभी के बीच में बैठे और आपको जो है अपनी बीमारियों का समाधान बताया। जिनको हम नहीं बता पाए उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। आप जो है अगले लाइव में आइएगा और जो है अपनी बीमारी का समाधान आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।